नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबर ले रही हूं बनारस में। फेसबुक लाइव में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, कोरोना वायरस बीमारी को लेकर के जिस महामारी से पूरा देश में हड़कंप मचा हुआ है, उसको देखते हुए जो है कि यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल 22 मार्च 2020 को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक से उन्होंने कर्फ्यू लगाया था, और कर्फ्यू लगाने के बाद जानते हैं आपकी पूरी देशवासियों ने पूरी तरह से अटल रहे और सब लोग अपने घर में रहें। हालांकि एक दो लोग भी लौटते थे तो उसे यहाँ के प्रशासन सरकार सब लोगों ने जो कि पूरी तरह से अटल थे, अटल होने के बाद सबको समझाया बुझा करके घर में रहने की सलाह दे रहे थे। उसी को देखते हुए आज जो है कि 23 मार्च 2020 को आज जो है कि लॉकडाउन किया गया है, जिसमें कि 31 मार्च तक ले वायरस को देखते हुए लोग चालू किया गया है इसे, ताकि कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, जिसको जो जरूरत है वही निकले, जैसे कि सब्जी फल फूल या उसके लेकर के जैसे कि कोई दवा के लिए हो, लेकिन इसको ध्यान में रखते चलिए, ताकि इसे सावधानी अगर बरसेंगे तो आपकी जिंदगी के लिए सफलता है। तो आइए हम देखते हैं, जहाँ पे सारनाथ म्यूजियम जाना जाता है और यहाँ के लगभग में हजारों लोग आते हैं, लेकिन देशवासियों ने किस तरह से समर्थन कर रहे हैं। यह है एक फूल जिसमें फल, जिसको उद्देश्य दिया गया कि फल के खुलने चाहिए दुकान, वही फल खुला हुआ है। और पूरे सन्नाटा छाया हुआ है, आप देख खुद ही देख सकते हैं कि ये है म्यूजियम चौराहा, जहाँ पे हमेशा डेली लागो खो लोग रहते हैं, वही पे सन्नाटा पूरा छाया हुआ है। जिसे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से देशवासियों ने उनके समर्थन में है, ताकि पूरी तरह से अटल है, और सारी दुकानें भी बंद हुई है यहाँ पे, और जोरों शोरों पे जो लोग चल भी रहे हैं वो अपने मास्क के जरिए चल रहे हैं, और यहाँ पे बीच में प्रशासन भी बैठी हुई है जो कि पूरी तरह से अटल है और लोगों को समझा भी रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन किस तरह से लोगों को समझा रही है, कैसे जाना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, इमरजेंसी में है कैसे हैं। तो आइए, हमारे सर भी हैं यहाँ पे, थोड़ी सा उनसे चौराहे के बारे में जानते हैं। अंदर हैं? चले जा रहे हैं सर, लेकिन लाइव से चल रहे हैं। सर सर प्लीज, नमस्ते सर। सर मैं सुशीला खबर ले रही है अखबार से, यूट्यूब व्हाट्सएप सोशल मीडिया है। तो सर, जो है कि लॉकडाउन हुआ है उससे और कल से क्या अभी तक कुछ बदलाव आया है? तो ये
इसके लिए हम आपको थोड़े बाइट हम देने के अधिकारी नहीं है। हाँ। बाइट आप जो है अधिकारी से लीजिए, अधिकारी महोदय से हमारे लीजिए, हम लोग बाइट देने के अधिकारी नहीं। लेकिन चौराहे पे जो सर यात्री आ रहे हैं तो उनको किस तरह समझाया जा रहा है, जैसे मास्क भी नहीं लगाए हैं कुछ लोगों, तो उनको जो समझाया जा रहा है कि आप मास्क लगा लें कृपया, और अपने जिंदगी और अपने परिवार से जो खिलवाड़ ना करें। हाँ। सभी लोग को सुरक्षित रखिए, अपने अपने घर को वापस जाइए, यही सब बताया जा रहा है। अच्छा, इस चौराहे पे सर कौन सी दुकानें खुली अभी तक, फल फूल के तो लोग रहे और सब, तो ऐसी दुकानें तो नहीं और कोई ऐसी दुकानें नहीं खुली हैं, बस किराना की और फल की दुकान, सब्जी की दुकान। इस कोरोना के लिए के सर बहुत यहाँ के देशवासियों ने अटल है पूरी तरह से। जी जी, समझ जा रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे लाइव के साथ। जैसे आपने देखा कि यहाँ की जनता पूरी तरह से अटल है, हालांकि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको प्रशासन रोक रोक को समझा भी रही है कि इस बीमारी को लेकर के आप लोग सुरक्षित बरतें, जितना ही सुरक्षित बरतेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और जीवन सफल होगा। तो जुड़े रहिए मेरे लाइव के साथ, फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।